नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में आज से बस में सफर करना हुआ महंगा। बिहार में आज से बस की सवारी करना और ज्यादा महंगा हो गया है। आज आधी रात से बस के किराए में बढ़ोतरी होने वाली है, जिसके बाद सोमवार से बसों में सफर करने पर 20% अधिक किराए का बोझ पड़ेगा। फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने इस बाबत बताया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे बस परिचालन घाटे में जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 अक्टूबर 2018 को बस का किराया बढ़ाया गया था, जिसके बाद पटना से बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बस परिचालन का किराया 20% अधिक देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद ने निकाली रिक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद ने हाल ही में टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट के कुल मिलाकर 9 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार 18 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ecil.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में 2.5 लाख से कम आमदनी वाले SC/ST के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। राज्य सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले वैसे सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने जा रही है जिनके अभिभावकों की आमदनी सालाना 2.5 लाख से कम है। इसका ऐलान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी के पुत्र और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने किया है। आपको बता दें कि उक्त बातें तब कही गई जब विधान परिषद में बीते दिन बजट का विभागवार चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखा गया है। इस दौरान उन्होंने यह साफ किया है कि संख्या चाहे जितनी भी हो, हर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तक मदद पहुंचाई जाएगी। इस बाबत आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अभी राज्य में 86 आवासीय विद्यालय में 34,000 से ज्यादा बच्चे रह रहे हैं और 10 और ऐसे विद्यालय बढ़ाए जाएंगे। 10+2 में भी इन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इन सब के बाद आवासीय विद्यालय में 59,000 बच्चों को रखने की व्यवस्था होगी। बिहार के जितने फसलों की नहीं हुई बुआई, उससे ज्यादा आय रकबा के दावेदार। बिहार विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित बैठक में बड़े अनियमितता का पर्दाफाश हुआ है। बाढ़ सुखाड़ से प्रभावित फसलों की क्षतिपूर्ति की योजना को लेकर कृषि विभाग के सामने नई मुसीबत आ गई है। फसल सहायता योजना के तहत जितनी फसलों की बुआई नहीं हुई थी, उससे ज्यादा रकबा के दावेदार आने लगे हैं। योजना के तहत किसानों को निबंधन के समय ही बताना होता है कि उन्होंने कितने रकबे में कौन कौन सी फसलें लगाई हैं, मगर अधिकांश मामलों में किसान गलत जानकारी दे रहे हैं। अब सरकार पंचायतवार सत्यापन कराने जा रही है कि किसानों ने कौन सी फसल की बुआई कितने क्षेत्र में की है। बिहार में सरकारी नौकरी की आई बहार। बिहार में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार में जल्द ही 893 लाइब्रेरियन की बहाली होने वाली है, जिसके बाद अब बिहार के खाली पड़े 893 पदों पर जल्द बहाली की जाएगी। शिक्षा विभाग जल्द ही इसको लेकर कार्रवाई करने वाला है। ज्ञात हो पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही इस पद पर योग्य माने जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के 2,789 पद स्वीकृत है, इसके विरुद्ध 893 पद खाली पड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पद का सृजन साल 2007 में हुआ था। वहीं इस पद पर नियोजन की कार्रवाई 2008 में शुरू होकर 2019 तक जारी रही थी। अब थाने में नहीं सड़ेंगी शराब तस्करी की पकड़ी गई गाड़ियां। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बिक्री की शिकायत आए दिन देखने को मिल जाती है। हालांकि अब जो है कि बिहार सरकार इस पूरे मामले को लेकर पूरी सतर्कता के साथ काम करने में जुट गई है, जिसके तहत बिहार पुलिस की तरफ से इस कानून को सख्ती से लागू करवाने का काफी दबाव बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह पर पुलिस की स्ट्रैटेजी फेल साबित हो रही है, क्योंकि कई पुलिस वाले भी ऐसे हैं जो दारू के शौकीन माने जाते हैं, जिन्हें पिछले दिनों नशे की हालत में भी पकड़ा गया था। हालांकि अब जो पुलिस विभाग की तरफ से फैसला लिया गया, उसके अनुसार गाड़ियां थाने में नहीं सड़ने वाली हैं, बल्कि उनका उपयोग सरकारी कामकाज में किया जाएगा। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शराब तस्करी में पकड़ी गई गाड़ियों का उपयोग सरकारी काम में करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही इससे जब्त वाहन को अब सरकारी कार्यालय के उपयोग में लाने की बात भी कही है। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले कई थानाध्यक्षों को दी गई नई जिम्मेदारी। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस विभाग में फेरबदल की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद लगभग 10 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी और चुनौतियां सौंप दी गई है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पंचायत चुनाव से पहले बघा SP किरण कुमार जाधव ने विभाग में यह बड़ा फेरबदल किया। ठकराहा थाना के नए थानेदार अजय कुमार बनाए गए। धनहा थाने में मुन्ना कुमार को थानेदार की जिम्मेदारी सौंपी गई। नौरंगिया में विनय मिश्रा ने थानाध्यक्ष बनाए गए और चौतरवा में शंभू शरण गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई। राजकुमार की तैनाती लोकरिया थानाध्यक्ष के रूप में हुई। इसके साथ ही पिपरासी में राजीव कुमार सिन्हा, भैरवगंज में लाल बाबू प्रसाद, चिउटाहा में शहीद अली को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में आज से मौसम में सुधार की बढ़ी संभावना। मार्च के दूसरे हफ्ते में
अचानक से राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदलना शुरू कर दिया था। पुरवैया हवाओं के कारण आसमान में बादल छाए और कहीं कहीं बूंदाबूंदी भी देखने को मिली, जिसके कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। शनिवार को पटना में लोगों ने मौसम का बदला हुआ मिजाज देखा। ठंडी हवाओं की वजह से पारा नीचे जा पहुंचा। आपको बता दें, पटना का बीते दिन अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 8 डिग्री का फर्क एक दिन के अंदर मौसम में देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिलेगा। इसके बाद आज भी कई जिलों में बारिश के होने की संभावना जताई गई है। पटना में माँ बाप के छोड़े जाने पर इटली पहुंची बिहार की बेटी। राजधानी पटना में हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो समाज को सकारात्मक सीख देने का भी काम कर रहा है। पटना जिला के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से लावारिस मिली 3 साल की मासूम बच्ची आज खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रही है, क्योंकि वो अब हिंदुस्तान से इटली पहुंच गई है। यह मामला साल 2017 का है, जो पटना जिले के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर 3 साल की एक मासूम बच्ची को उसके माँ बाप ने वहीं पर छोड़ दिया था, लेकिन उस बच्चे के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इटली के इलेक्ट्रिक ग्राफिक डिजाइनर कंप्यूटर इंजीनियर मिस्टर लुका स्पोंगनोली और शिक्षाविद मिसेज एलिजा स्टांगा ने सृजनी दत्तक संस्थान से आकर खुशी को गोद ले लिया था। काफी विरोध के बाद मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी को लिया आड़े हाथ। रामसूरत राय को लेकर लगातार विपक्षी दल की तरफ से और खासकर की राजद नेता तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब रामसूरत राय ने खुद सामने आकर यादव के आरोप का पलटवार किया है, जिसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा है कि भाई के स्कूल परिसर में शराब बरामद हुई है, वो ना मेरी है और ना थी और ना रहेगी। भाई से मेरा कोई संबंध नहीं है। 2012 में रजिस्टर्ड बंटवारा हो चुका है। अगर भाई इस घटना में दोषी है तो सरकार कार्रवाई करे। इसके लिए मैं कैसे दोषी हूँ? कैसे भी एजेंसी से आप जांच करवा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एनडीए सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। सरकार ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। रालोसपा से मिलने के पहले आज जदयू के वरिष्ठ नेताओं की होगी अहम बैठक। बिहार में रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के अन्य नेताओं के साथ जदयू में शामिल होने को लेकर रविवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर इस मिलन के सूत्रधार जदयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार, उमेश कुशवाहा समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मिलन समारोह के पहले जदयू ने अपने शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर शनिवार को खुद प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने दोपहर 1 बजे से जदयू कार्यालय में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए नेताओं को फोन किया था। पूर्व एमएलसी संजय सिंह ने इस काम में प्रदेश अध्यक्ष का सहयोग करने की बात कही थी। बिहार में सीएनजी में बदली जाएंगी डीजल बसें। बिहार में प्रदूषण को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में अब डीजल बसों को सीएनजी में तब्दील करने की तैयारी हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बीएसआरटीसी अगले 3-4 महीने में 50 सीसी रेंज बस की खरीदारी करने वाली है, जिसमें 20 डीजल बसों के इंजन को सीएनजी किट में बदला जाएगा। मामले में वन और पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग और बीएसआरटीसी के बीच सहमति बन चुकी है और 16 मार्च को होने वाली बैठक में इस पर औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। शुरुआती बैठक में परिवहन विभाग के लिए कुल मिलाकर बसों की खरीदारी का पक्षधर था, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों के ऊंचे मूल्य, हाई ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट और अधिक किराए की वजह से पैसेंजर कम मिलने की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग और बीएसआरटीसी ने फिलहाल सीएनजी को ही पटना के लोगों के लिए अनुकूल माना है और शहर के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के बजाय अभी इसे ही अपनाने का निर्णय लिया है। पटना में तैयार हो रहे एसटीपी का जून में कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन। राजधानी पटना में बन रहे सैयदपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और उसके साथ लगे हुए नेटवर्क का काम लगभग पूरा हो गया है। वहीं मानसून के पहले पहाड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि जून महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर देंगे। नगर विकास और आवास विभाग के निर्देशन में बुड़गो की तरह से नमामि गंगे योजना के तहत सभी एसटीपी प्रोजेक्ट और पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष के अंत में सभी सीवरेज पाइपलाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा। युवराज सिंह ने जताई टीम इंडिया में वापसी करने की इच्छा। कुछ समय पहले ही टीम इंडिया के शानदार खिलाड़ी युवराज सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वहीं अब युवराज सिंह ने क्रिकेट में वापसी की इच्छा जताई है। क्रिकेट जगत में सिक्सर किंग के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह एक बार फिर 6 छक्के लगाने की वजह से सुर्खियों में है। हालांकि इस बार युवराज ने 8 गेंदों के अंतराल पर 6 छक्के लगाए हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के खिलाफ खेलते हुए युवराज सिंह ने सिर्फ 22 गेंद में 952 रनों की तूफानी पारी खेली। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद युवी ने एक बार फिर टीम इंडिया के लिए खेलने की इच्छा जाहिर की है। दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के खिलाफ इंडिया लेजेंड्स की धमाकेदार जीत दिलाने के बाद युवराज सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मेरे हिसाब से यह बुरा नहीं था। जब मैं अपने करियर के पीक पर था तो मैंने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे और अब 4 गेंदों पर 4 छक्के काफी है।
अब मेरे पास टीम इंडिया में वापसी करने का अच्छा मौका है। सूर्यवंशी के रिलीज डेट का हुआ ऐलान। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी के रिलीज का इंतजार फैंस को लगातार था। ऐसे में रोहित शेट्टी के जन्मदिन के खास मौके पर फिल्म सूर्यवंशी के रिलीज डेट का ऐलान किया गया है, जिसके साथ ही लंबे वक्त से ये भी सवाल गूंज रही थी कि इस फिल्म को टीवी पर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि सिनेमाघरों में कोरोना के कारण फिलहाल लोगों की आवाजाही बंद करके रखी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। अक्षय कुमार ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमने आप सभी से सिनेमा के दमदार एक्सपीरियंस का वादा किया था और अब वो पूरा होगा। आखिरकार इंतजार खत्म होगा, आ रही है पुलिस सूर्यवंशी सिनेमाघरों में 30 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी। इसके साथ ही अक्षय ने # सूर्यवंशी 30 अप्रैल का भी इस्तेमाल किया है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार प्रदूषण के रोकथाम के लिए सभी डीजल बसों को सीएनजी में तब्दील करने का फैसला प्रदूषण के रोकथाम में कारगर साबित होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।